तो अभी तो पाकिस्तान के थोड़े से हालात ऐसे चल रहे हैं ना, तो उधर बंदा कुछ ही नहीं कर सकता। अभी भूखमरी बहुत हुई पड़ी है, तो मैं तो एक मैसेज ये देना चाहता हूँ सारे भाइयों को, तो थोड़ा आओ तो अर्जेंट के थ्रू आओ, किसी एरे गेरे के थ्रू नहीं आओ। जैसे फारूक भाई ने एक को यकीन पे आके दे दिए थे पैसे, वो बेचारा फंस गया था, दिए थे दुआ सलाम वाला था। बाकी ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले उसको वो सीधा बोलो जो भी भाई हमारा काम करवाओ, उसके बाद हम पैसे पेमेंट आपको देंगे। सुफियान ने बड़ी अच्छी बात की है, इस पर गौर करना, किसी एजेंट वगैरह को एरे गेरे को पैसे देगी अपने पैसे खराब ना करें। और फारूक तुम बताओ किसको पैसे दिए थे तुमने बाहर आने के लिए? बाहर आने के लिए अख्तर नाम है। अख्तर नाम है, हाँ। अच्छा, कितने पैसे दिए थे? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये इसने दिया, और कहाँ से करके दिया वो यही जानता है बेचारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद सरफराज। आज दोस्तों हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, टर्मिनल 1। एयरपोर्ट जो है कि दुबई में 3 एयरपोर्ट हैं, लेकिन मैं जो आज जा रहा हूँ टर्मिनल 1 की तरफ जा रहा हूँ। और हम लोग इसलिए जा रहे हैं आज कि मेरी सिटी टंडोल अयार से जो है कि एक दोस्त का भाई जो है कि वो आ रहा है, जिसको हम रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। और मेरे बराबर में उमेर है, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, और हम साथ ही होते हैं, दोस्त हैं। तो अब उसको टर्मिनल 1 से जो है कि रिसीव करेंगे, और तो ये अब हम एयरपोर्ट की तरफ समझो कि जा रहे हैं। टर्मिनल 1 है ये। पार्किंग के बारे में बताएंगे? पार्किंग के बारे में ज़रूर बताएंगे दोस्तों को, कि इस वक्त चार्जेस जो है कि दुबई में पार्किंग का बहुत ज़्यादा है, अगर आप किसी को रिसीव करने आते हैं। ये अच्छा भी है ना, चार्जेस तो अलग अच्छे भी हैं। और दूसरा, अगर ये भी बता दें दोस्तों को कि अगर पार्किंग ना लगाएं और ऐसे डायरेक्ट चले जाएं, उसका फाइन कितना है? डिपेंड करता है मोड के ऊपर, यानी कि 25,000 तक भी आपको फाइन आ सकता है अगर आप ऐसे जाएंगे और जाकर किसी को रिसीव करेंगे। आपने पार्किंग में गाड़ी लगानी है और जाके उसके बाद जो है कि अपने जो है कि रिसीव करना है मेहमान को, तो वैसे किसी को रिसीव भी नहीं कर सकते। हाँ, वैसे आप रिसीव नहीं कर सकते ना, उस पर तो वैसे ही फाइन है, आप जा ही नहीं सकते। अनजान बंदे को तो आप रिसीव करेंगे तो मेरे ख्याल 50,000 का फाइन है। तो अब हम जो है कि पार्किंग की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर जो है कि पार्किंग किस तरीके से लगाई जाती है, और फिर मैं जो है कि एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। और जो फारूक आया है पाकिस्तान से अभी विजिट पर, तो उसको रिसीव करेंगे और फिर आपको ये सब चीज़ें जो है कि दिखाते हैं। रश देखो कितना ट्रैफिक, और रश देखें एयरपोर्ट पे, ये देखें सामने सब टैक्सी की लाइन है। ये हाँ, ये सब टैक्सी की लाइन है, उस लाइन में हम नहीं जा सकते। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है पार्किंग की तरफ। तो हम लोग पार्किंग की तरफ जाएंगे और गाड़ी पार्क करेंगे, और मेरे ख्याल मिनटों का हिसाब हो मैं जी मिनट्स का हिसाब है, यानी कि हम 10 मिनट रुके हैं या 15 मिनट रुके, जितने मिनट रुकेंगे हम उसका पे करेंगे। तो वो हम एंड में चेक करेंगे कि हमारा चार्ज कितना आया पार्किंग का। बिल्कुल ऐसे। तो ये अब इंटर हो चुके हैं पार्किंग के अंदर दुबई टर्मिनल 1 की, और आगे का जो है कि फिर हम आपको दिखाएंगे। और पार्किंग भी ये बहुत बड़ी बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत पार्किंग है। ऊपर वैसे मेट्रो भी कनेक्ट है इसके साथ, वो देख सकते हैं जो सामने, ये मेट्रो ही है। जी मेट्रो कनेक्ट है। तो अब हम अंदर जो है कि देखें, तो सरफराज भाई की मोहब्बत है लेने आए, नहीं तो लोग मेट्रो से ही घर जाते हैं यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा मेट्रो यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आया है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, तो इसको रिसीव करें और मतलब आपको भी जो है कि विज़िट करवाएं और आपको दिखाएं रिसीविंग का सिलसिला कि किस तरीके से हम लोग रिसीव करते हैं अपने मेहमान जो यहाँ आते हैं, दोस्त वगैरह। ये देखें बैरियर ऊपर हो गया, अब हम इंटर हो गए। अब ये पार्किंग में इंटर है, हम लोग पार्किंग लगाएंगे और मैं फिर जो है कि एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। और फारूक को एक जगह बताई हुई है, क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है अभी, तो उसको जो है कि वहाँ से मैं रिसीव करूँगा कि वो बाहर आ गया, वाला करें, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चार्जेस बहुत ज़्यादा है इधर पार्किंग के। आप देख भी सकते हो ऊपर नीचे बहुत बड़ी पार्किंग है ये टर्मिनल 1 की। तो जाना चाहिए उसको वैसे, मेरा पार्क करना, तो मैं जाके उसको लेकर आता हूँ, फिर बाकी जो है कि देखें लोग सारे पार्किंग वेट करते हैं। ये दोस्तों मैं अभी अंदर की साइड जा रहा हूँ, गाड़ी से उतर के फारूक को देखता हूँ, उसे एक लोकेशन मैंने बताई थी, वो वहाँ पर ही जो है कि खड़ा हुआ अल्लाह करे, क्योंकि नंबर नहीं है उसके पास। एयरपोर्ट पे रश भी बहुत ज़्यादा है, मैं अंदर जाऊँगा जहाँ उसे मैंने जगह बताई थी। ये वेटिंग एरिया बना हुआ है एयरपोर्ट का, सब लोग वेट कर रहे हैं आने का, अपने अपने मेहमानों का, और मैं भी वेट कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों अभी जो है कि दोस्त का भाई आ रहा है, सामने से नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने से जो आ रहा है आपको नज़र आ रहा होगा,
ये जा रहा है। तो भाई अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, अभी फारूक को रिसीव किया है और इसको जो है कि पहले डिनर करवाएंगे और डिनर करवाने के बाद जो है कि इसको फिर ड्रॉप करेंगे। तो दोस्तों अब डिनर करेंगे हम, अल मदीना भी लिखा हुआ है रेस्टोरेंट पे और वाइड रेंज भी लिखा हुआ है। तो ग्रिल चिकन जो है कि यहाँ की बहुत फेमस है, करामा का ये एरिया है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों अभी खाना खा लिया हम लोगों ने ग्रिल चिकन, तो अब हम ट्रेवल करेंगे जबल अली के लिए। फारूक को छोड़ के आएंगे उसको अपने अपना जहां वो आया है। और ये भाई भी हैं देखें, इन्होंने बड़ा खाना वीआईपी बनाया है यार, बड़ा अच्छा अर्जुन है। ये रेस्टोरेंट ने यहाँ खाना खाया, बहुत ही मज़ेदार खाना है। नाम मैंने आपको पहले इसका बता दिया था रेस्टोरेंट का। तो अब हम जबल अली की तरफ ट्रेवल करेंगे और आपको रास्ते की जो एक सीनरीज दिखाते हुए आगे जाएंगे। दोस्तों अभी बस डिनर किया है और हम लोग अब करामा से रवाना हुए हैं, जबल अली की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम आ गए हैं। वो मेरा जो है कि सुफियान नाम है ना, वो भी टंडोले यार से ही है, तो जिसके पास अभी हम जा रहे हैं ये उसका एरिया है, तो उससे भी मुलाकात करेंगे। और सुफियान कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। मजे हैं बस, दुबई के अंदर बंदा आया। हाँ, अरे सुफियान को 6 साल हो चुके हैं लेकिन मेरी फर्स्ट मुलाकात है और ये है भी मेरे मेले का और कायम खानी है। हाँ माशाल्लाह से मुझे जानता भी है। और फारूक जो ये साथ रहेगा इसके और ये इंशाल्लाह हेल्प करेगा इसको जॉब दिलवाने में और इसको सारा गाइड करेगा। मैंने भी गाइड किया फारूक को, बताया है कि जो है बस बेटा मेहनत कर, अब आया है दुबई में और इंडस्ट्रियल एरिया है जबल अली का। तो और कोई मैसेज देना चाहोगे भाई? भाई अभी तो फारूक भाई आए हैं, चलो पहली दफ़ा आए हैं, अभी इधर दुबई घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने बीवी बच्चों के लिए कमाएंगे। अच्छी बात है, बंदा परदेश में आया अपने बीवी बच्चों के लिए आया। तो अभी तो पाकिस्तान के थोड़े से हालात ऐसे चल रहे हैं ना, तो उधर बंदा कुछ ही नहीं कर सकता। अभी भूखमरी बहुत हो ही पड़ी है, तो मैं तो एक मैसेज ये देना चाहता हूँ सारे भाइयों को, तो थोड़ा आओ, तो अर्जेंट के थ्रू आओ, किसी एरे गेरे के थ्रू नहीं आओ। जैसे फारूक भाई ने एक को यकीन पे आके दे दिए थे पैसे, वो बेचारा फंस गया था, दिए थे दुआ सलाम आला था। बाकी ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले उसको वो सीधा बोलो जो भी भाई हमारा काम करवाओ, उसके बाद हम पैसे पेमेंट आपको देंगे। सुफियान ने बड़ी अच्छी बात की है, इस पर गौर करना, किसी एजेंट वगैरह को एरे गेरे को पैसे देंगे, अपने पैसे खराब ना करें। और फारूक तुम बताओ किसको पैसे दिए थे तुमने बाहर आने के लिए? बाहर आने के लिए अख्तर नाम है, अख्तर नाम है। हाँ अच्छा, कितने पैसे दिए थे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसने दिया और कहाँ से करके दिया वो यही जानता है बेचारा। तो इस तरीके के लोगों से बचे और जो कि पैसे मत दे। हाँ सुफियान जैसे भाई दुबई के अंदर, इनसे रब्ता करें, ये आपको सही गाइड करेंगे, सही बताएंगे। मैं हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं आपको सही बताऊंगा। तो जो मौजूद है उनसे जो कि रब्ता करके और गाइडलाइन लें और बंदों को जो कि पैसे मत दें किसी को भी, अपने मेहनत की कमाई आप किस किस तरीके से करके देते हैं और देखो ना इसने भी पैसे ज़ाया कर दिए। तो बहरहाल अभी इनसे मुलाकात हुई है और फारूक अभी तुम जो है कि नहीं रहोगे इसके पास, तो इंशाल्लाह मेहनत करना। दोस्तों अभी यहाँ का व्लॉग मैं ख़त्म करूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना कि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।